हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और देखिए, आज मैं आपके लिए क्या रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पोहा बनाया है, और हमारे यहाँ प्याज नहीं खाया जाता। तो मैं पोहे को टेस्टी बनाने के लिए, देखिए मैंने क्या क्या डाला है इसमें, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें मूँगफली है, तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखी क्या क्या सामग्री ली है। ये पोहा लिया है, इस पोहे को अब हम धो लेंगे पहले। हरा धनिया आधा चम्मच, लाल मिर्च, हल्दी, ये राई है आधा चम्मच, मीडियम साइज़ का एक टमाटर, नमक, और ये मूंगफली है दो बड़े चम्मच, एक आलू है मीडियम साइज़ का जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और ये एक गाजर लिया है इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पोहा है उसको हम अच्छे से धो लेंगे। तो धो लिया है यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छे पानी, कई कई बार धो लिया है। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई गर्म हो गई है, उसमें तेल डाल दिया है। तो मूँगफली को पहले तल लेंगे, और उसके बाद जो मैंने आलू काट कर रखे थे उनको भी हम फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई करना है। इन्हें मैंने तीन चार पानी में धो दिया था बिल्कुल, जिसका इनका जो स्टार्च है वो निकल गया था। तो देखिए यहाँ पर आलू को मैंने डीप फ्राई कर लिया है, अब इनको निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने मूँगफली और आलू को फ्राई कर लिया है, देखिए दोस्तों। तो अब डाल देंगे हम कढ़ाई में राई, राई को चटकने देंगे। अब डालेंगे इसमें कढ़ी पत्ता, कढ़ी पत्ते से जो है पोहे का स्वाद और बढ़ जाता है। अब यहाँ पर डाल देंगे हम टमाटर, हल्दी डाल देंगे, थोड़ा धनिया डाल देंगे, गाजर डाल देंगे जो काट कर रखी हुआ था, अच्छे से चलाएंगे। यहाँ पर नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। मिला लेंगे अच्छे से। अब डाल देंगे हम लाल मिर्च, या पोहा डाल देंगे, देखिए कितना खिला खिला हो रहा है, क्योंकि इसको मैंने कहीं कहीं पानी में बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया था धोकर। अब चला लेंगे अच्छे से, और 5 मिनट अच्छे से चलाएंगे। तो यहाँ पर सभी मसालों को मैंने इसमें मिला लिया है। अब डालेंगे हम इसमें आलू और मूंगफली। अच्छे से मिलाएंगे इनको। आप चाहो तो इसमें प्याज डाल सकते हो, नींबू का रस डाल सकते हो।
पोहा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, मिलाएंगे अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, पोहा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई से बाहर निकाल रहे हैं हम। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी प्लेटिंग कर ली है। तो देखिए दोस्तों, बनकर तैयार है पोहा, जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। एक बार अवश्य ट्राई करिएगा।